क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए? क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना जरूरी है? ये बड़े पेचीदा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं एंटीवायरस डालने से कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं एंटीवायरस के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कंप्यूटर पर वायरसेस आ जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए, हमें कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस डालना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हैं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई ऐसी डाटा रखते हैं जो बिल्कुल भी लीक ना हो, जो बिल्कुल भी हैक ना हो, जो बिल्कुल भी सेफ रहे, यानी आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसे केस में आप अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटीवायरस में हमें सेफ मोड प्रोटेक्शन फीचर मिल जाता है, ऑटो स्कैन का फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, तो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से आने वाले मालवेयर्स वायरसेस को आपका इंटरनेट से ब्रेक कर देता है, रोक देता है, आपके कंप्यूटर तक उसे आने नहीं देता। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसी गतिविधि होती है जो सूटेबल नहीं है, या फिर आपके कंप्यूटर पर कोई वायरस ऑटोमेटिकली कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहता है, तो यहाँ पर एंटीवायरस उसको ब्रेक कर देगा, रोक देगा। आपने देखा होगा जब हम अपने कंप्यूटर पर कोई क्रेक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के एंटीवायरस को डिसेबल कीजिए, यानी बंद कीजिए। जब तक हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करते तब तक हम अपने कंप्यूटर पर क्रेक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाते, राइट? अब इतना में आप समझ सकते हैं कि एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर हम खुद ही इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे भी इंस्टॉल करने नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें फॉल्ट है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वायरस को कहां से जगह देगा, राइट? तो यहां पर आपके कंप्यूटर पर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, या फिर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग करते हैं, या फिर आप अलग अलग पेन ड्राइव इंसर्ट करते फिर निकालते फिर इंसर्ट करते हैं, मतलब आप बार बार अलग अलग पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव को इंसर्ट करते रहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा, राइट? लेकिन आपको पता होगा जो हम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 11 हो, इसमें हमें एक विंडोज डिफेंडर मिलता है, राइट? विंडोज डिफेंडर, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये भी एक प्रोटेक्शन ही है हमारे कंप्यूटर का। अगर आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते तो आप विंडोज डिफेंडर को ऑन कर दीजिए, इससे आपके कंप्यूटर पर किसी भी तरह का वायरस नहीं आएगा, ऐसा कहती है विंडोज कंपनी, राइट? तो यहां पर सवाल यह भी है, जब विंडोज पर ऑलरेडी हमें विंडोज डिफेंडर मिल जाता है तो अलग से एंटीवायरस क्यों डालें, क्यों खर्च करें भाई? तो कहने का मतलब यह है विंडोज अपने विंडो को कुछ इस तरह से डिजाइन करती है कि किसी प्रकार से कोई वायरस अटैक ना हो सके, इसलिए वो विंडोज डिफेंडर को डाल के भेजती है और वो हमेशा ऑटोमेटिकली ऑन भी रहता है। आप अपने कंप्यूटर पर जाइए, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए विंडोज डिफेंडर, आ जाएगा। ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उस हद तक प्रोटेक्ट नहीं करता जिस हद तक एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस आपके हर एक ड्राइव पे, हर एक फोल्डर पे, हर जगह अपनी नजर बनाकर रखता है और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि होने पर वो फटाक से अपने एक्शन करके उसे रिमूव कर देता है। कौन करता है? एंटीवायरस। मैंने खुद भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जब आप जबरदस्ती की कोई वायरस डालना चाहोगे तो भी एंटीवायरस उसे तत्काल रिमूव कर देता है फटाक से। या फिर एंटीवायरस को आपने डिसेबल नहीं किया है और कोई क्रेक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, मतलब करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल भी इंस्टॉल होने नहीं देता। आप जैसे इंस्टॉल करोगे उसके डाटा को एंटीवायरस फट से रिमूव कर देगा और दिखा भी देगा कि हमने ये वायरस को भी डिलीट किया, जबकि आप उसे खुद ही इंस्टॉल कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है विंडोज डिफेंडर भी कुछ हद तक आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक एक आप जो मैनुअली जो एंटीवायरस डालते हो वो प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते कि किन लोगों को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर पर ज़्यादा इंटरनेट से काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव वगैरह इंसर्ट नहीं करते,
तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, बस आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज डिफेंडर को ऑन कर दीजिए, बहुत है आपके लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर पर सिर्फ टाइपिंग करते हैं, टेली वगैरह चलाते हैं, एमएस ऑफिस वगैरह चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालिए एंटीवायरस। आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर हम कोई कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर अनगिनत कंप्यूटर होते हैं, 100+ कंप्यूटर भी मिल जाते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर हमें एंटीवायरस नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें ना तो हार्ड डिस्क इंसर्ट करना होता है अलग अलग, ना पेन ड्राइव, ना इंटरनेट से काम करना होता है। वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पर विंडोज डिफेंडर को इनेबल कर देते हैं, बस अलग से कोई एंटीवायरस वो नहीं डालते। तो अगर आप भी अपने कंप्यूटर पर बस कॉमन ही काम करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, बस अपने कंप्यूटर पर आप विंडोज डिफेंडर ऑन कर दीजिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये विंडोज डिफेंडर है क्या, कैसे इनेबल करते हैं? तो अगर आपको जानना है कि विंडोज डिफेंडर क्या है, कैसे इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आखिर विंडोज डिफेंडर क्या है, कैसे इनेबल करते हैं, राइट? तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं करते, इंटरनेट से जुड़े काम नहीं करते, मतलब इंटरनेट से जुड़े काम नहीं करते, अलग अलग हार्ड डिस्क इंसर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो आप मत इश्यू कीजिए, एंटीवायरस क्या आपका हो सकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस बात पर कितनी सच्चाई है कि एंटीवायरस डालने से हमारा कंप्यूटर स्लो काम करता है, स्लो चलता है। तो ये बात कुछ ऐसी है, हमारा जो कंप्यूटर है, जो प्रोसेसर है, राइट, अगर वो बिल्कुल लो बजट की है, लो एंड प्रोसेसर लगा हुआ है, और इस पर हम कोई हाईवी मतलब अच्छी कंपनी की एंटीवायरस को इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम पर, तो होता क्या है, जो एंटीवायरस होता है वो हमेशा आपके कंप्यूटर को रन करते रहता है, खोजते रहता है, कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया, कोई मालवेयर अटैक तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो गया, वो ढूंढते ही रहता है। तो इससे आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, हैंग करता है। मतलब ऐसा नहीं कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को हैक कर दिया इसलिए हैंग हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। मतलब ये है कि एंटीवायरस ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स लेता है, और जब ज़्यादा रिसोर्स लेगा तो आपका कंप्यूटर डेफिनेटली स्लो चलेगा, ठीक है? और रिसोर्स इसलिए लेता है कि वो ढूंढते रहता है आपके कंप्यूटर में, कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया, कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गया, बस यही बातें हैं। तो कुछ हद तक आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, लेकिन वही अगर कोई आप हैवी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास बहुत हैवी लैपटॉप कंप्यूटर सब चीज़ है एडिटिंग के लिए, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कितना भी रिसोर्स ले ले फिर भी हैंग नहीं करेगा वो, क्योंकि बहुत हैवी है, तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो आप लो बजट की कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर आप कोई अच्छी कंपनी की एंटीवायरस इंस्टॉल कर दोगे, तो रिसोर्स ज़्यादा लेगा एंटीवायरस, और आपका जो कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी वो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है हैंग होगा। और बस यही है, ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि एंटीवायरस से कंप्यूटर स्लो चलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किन लोगों को एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैंने आपको यह भी बता दिया कि एंटीवायरस डालने से कंप्यूटर स्लो चलता है या फिर नहीं, और अगर स्लो चलता है तो क्यों चलता है, मैंने सारी बातें आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sandeep_patel72, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।